OnePlus 12R। हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि OnePlus की तरफ से OnePlus 12R आने वाला है, और इसमें मैं बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में कि कब आ रहा है, क्या प्राइस होगी। तो पूरा भी देखिए, जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपने किया, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीज यहाँ पर OnePlus जो है वो अपना 12R लेकर आ रहा है। बहुत ही मतलब, मेरे को यहाँ पे आपको याद होगा कि पहले OnePlus की जो लाइनअप सीरीज होती थी उसका वेट ज़्यादा किया जाता था, बट अब क्या हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर अब लाइनअप सीरीज को छोड़कर लोग आर सीरीज पर ज़्यादा वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं 12R के बारे में, स्पेसिफिकेशन में आता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके बिल्ड डिज़ाइन के बारे में, तो बहुत ही प्रीमियम बिल्ड डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है OnePlus 12R में, जो बहुत ही बढ़िया लुक आपको प्रोवाइड करने वाला है, बहुत अच्छा लगता है डिस्प्ले में। अब मैं बात करता हूँ उसका डिस्प्ले की, तो 6.7 इंच का यहाँ पर आपको कर्व्ड पैनल मिलेगा सेंटर पंचोल के साथ, 120 फ्रेम रेट भी होगा, आपको पैनल क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। कर्व पैनल शायद ना मिले, बट पैनल की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। अगर मैं चिपसेट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 वाला चिपसेट मिलेगा, ये पिछले साल का बहुत अच्छा चिपसेट था, अब इसको इस साल ये दे रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। कैमराज में अगर मैं बात करता हूँ, मेन कैमरा यहाँ पर आपको मिलने वाला है यहाँ पर 50 MP का, यानी 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 48 MP का टेलीस्कोप लेंस भी दिया गया है, तो ट्रिपल कैमरा मिल रहा है। रियर में 4K कर पाओगी और इसका सपोर्ट होगा, सेल्फी में 30 MP की सेल्फी भी मिल रही है, तो कैमरा डिपार्टमेंट में फ़ोन बढ़िया है। बैटरी में आते हैं, चलिए 5500 mAh की बैटरी दी गई है प्लस टाइप सी, एंड 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी। आई होप आउट द बॉक्स चार्जर आपको प्रोवाइड किया जाए। एंड गाइस, ये है पूरा OnePlus का 12R, बहुत ही जल्दी मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन आपको सुना दी। अब बात करते हैं फाइनली क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब कब आ रहा है। तो देखिए, इसकी जो प्राइस होने वाली है 40 to 45,000 rupees होने वाली है। और अगर मैं बात करता हूँ लॉन्च के बारे में, तो ये जनवरी के मंथ में आ रहा है, 23-24 January को आएगा, और डेफिनेटली लेने लायक फ़ोन है ये, बिकॉज इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है। बट मेरे हिसाब से अगर फ़ोन इसका प्राइस जो है वो 35,000 रुपये रखते तो और बेटर हो सकता था, बट अगर इस फोन का प्राइस 45 जाता है तो ओवर प्राइस ये माना जाएगा। कमेंट करके आप अपनी राय में जरूर से बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, बिकॉज मुझे फ़ोन बढ़िया लगा है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मतलब फ़ोन प्रीमियम है, बिल्ड डिज़ाइन हो गया, बैटरी हो गई, कैमरा हो गए, तो ये सब चीज़ें फ़ोन में बहुत अच्छी मिल जाती हैं आपको। और अगर आप लोग 12 लेने की सोच रहे हो, 12 तो भाई 60-70,000 जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप इसको ले लें, तो ये बेटर रहने वाला है। तो बताइए कमेंट करके, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियोस बनाने के लिए, आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए इसमें। डेली मैं कम से कम एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, हम ऐसे आप लोग के लिए डेली वीडियोस बनाते रहेंगे। तो बस इसमें रखता हूँ, एंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।